तो बेस्ट होम थिएटर अंडर 10,000। तो यार अगर आपका बजट 10,000 है, इसी प्राइस रेंज की बात करेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूं, नंबर फोर पे यार मैंने रखा है ज़ेब्रोनिक्स की ओर से होम थिएटर। तो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो भाई अगर आपका बजट 4,000 से लेके 5,000 है, इसी प्राइस रेंज में आपको ये होम थिएटर देखने को मिल जाते हैं। इसको नंबर फोर पर इसीलिए रखा बिकॉज भाई अगर आपका बजट कम है, आपके लिए ज़ेब्रोनिक्स जो होम थिएटर है परफेक्ट डील हो जाएंगे। अगर आपका बजट कम है, आपको पॉजिटिव कमेंट देखने को मिल जाते हैं, 4.6 रेटिंग देखने को मिल जाती है, प्लस ये LED लाइटिंग के साथ आते हैं, तो आपको एक ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेंगे। एंड इसका जो डिज़ाइन है, लुक है, या इसका जो LED की लाइटिंग वगैरह, इसको मतलब होम थिएटर को थोड़ा सा अपर लेकर चले जाती है। इसका जो साउंड क्वालिटी है, इसकी जो बेस क्वालिटी है, वो भी सच में आपको अपर देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको 4,499 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपको फुल फंक्शनल रिमोट साथ में देखने को मिल जाता है, 4.1 चैनल के साथ आते हैं, LED डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस आपको 105 वॉट का आउटपुट पावर देखने को मिल जाता है। मैं आपको कनेक्टिविटी की बात बता देता हूं, तो इसमें आपको USB स्लॉट मिल जाएगा, SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, ब्लूटूथ आपको देखने को मिल जाता है, AUX कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, आपको बिल्ट इन FM भी साथ में देखने को मिल जाता है। अगर आप पावरफुल बेस सुनने के शौकीन हो, या अगर आपको क्लियर साउंड सुनने के शौकीन हो, आपके लिए ये होम थिएटर परफेक्ट डील हो वाले। आपको 8.5 kg इसका वेट देखने को मिल जाता है, स्टाइलिश डिजाइन है, इजी कंट्रोल है, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ज़ेब्रोनिक्स है एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो यार ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं। इनके जो हेडफोन्स भी आते हैं, ईयरबड्स भी आते हैं, प्लस इनके और भी लाइक स्पीकर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पहाड़ी स्पीकर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपने जाना है ज़ेब्रोनिक्स की ओर, आप जा सकते हो, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ देखने को मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री, नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखे हैं इन्फिनिटी हार्ड रॉकर 410 को, मतलब 410 को। तो अगर मैं इन होम थिएटर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, इन्फिनिटी जो है वो JBL का ही सब ब्रांड देखने को मिल जाता है। JBL सब ब्रांड की खासियत ये होती है कि इनकी वोकल क्वालिटी, बेस क्वालिटी कभी भी फटती नहीं है। अगर आपने हेडफोन यूज़ किए हैं, ईयरबड यूज़ किए हैं, होम थिएटर यूज़ किए हैं, या पहाड़ी स्पीकर यूज़ किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, इसको भी 4.6 रेटिंग मिल जाती है, प्लस पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। आपको डिजाइन लुक इस जो होम थिएटर का है वो पसंद आने वाला है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपको 8,000 के बजट रेंज से लेकर 9,000 के प्राइस रेंज में, पहले 9,000 कहने लगा था, आपको 9,000 के बजट रेंज में ये अप्रॉक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं, आपको 4.1 चैनल के साथ देखने को मिल जाता है, 200 वॉट्स की आउटपुट पावर देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आप पावरफुल डीप बेस सुनने के शौकीन हो, आपके लिए ये होम थिएटर परफेक्ट डील होने वाले हैं। इनका लुक मुझे तो अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। कनेक्टिविटी की बात करूं, आपको AUX कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 3 प्रीसेट मोड देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप म्यूजिक मोड पे लगाओगे, अगर आपने अनप्लग्ड गाने वगैरह सुनने, आपके लिए परफेक्ट होने वाला। मूवी मोड पे लगाओगे, अगर आपने लाइक सिनेमेटिक ऑडियो सुनने के शौकीन हो, आपके लिए भी बेस्ट डील होने हैं। अगर भाई अगर आपने गेमिंग के लिए होम थिएटर लेने हैं, आपके लिए भी ये होम थिएटर परफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज आपको इसमें गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। तो आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जो भी मतलब जैसे भी जो काम आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको डॉल्बी डिजिटल ऑडियो देखने को मिलेगी, तो स्पीकर्स क्वालिटी सच में अच्छी होने वाली है। वुडन कैबिनेट वूफर देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ आपको AIR मल्टीफंक्शन रिमोट भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इसके वेट की, तो आपको 7 kg 940 ग्राम सिर्फ इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जाना है इन्फिनिटी हार्ड रॉकर 410 की ओर, तो आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है, आप चेकआउट भी कर सकते हो, चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते, बहुत पसंद आप करोगे अगर आप इसको चेकआउट कर लेते हो। अगर आपको पसंद आते हैं, बाय करना चाहते हो, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने खुद चेकआउट करना है, फोटोज़ वगैरह देखनी है, रिव्यू पढ़ने हैं, पॉजिटिव कमेंट वगैरह पढ़ना चाहते हो, सब कुछ आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर टू की, नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पे यार मैंने रखे हैं सोनी की ओर से होम थिएटर। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं, अगर आपने सोनी के होम थिएटर्स की ओर जाना है, मैं आपको इतनी चीज़ कह देना चाहता हूं, 5,000 से लेके 10,000 के प्राइस रेंज में ये होम थिएटर आपको परफेक्ट एंड बेस्ट देखने को मिल जाते हैं।
Amazon टैग मिल जाता है, पॉजिटिव कमेंट इसमें भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत लोगों ने परचेज़ किए, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किए, आप भी बहुत पसंद करने वाले बिकॉज इनका लुक, इनका डिज़ाइन, इनकी वोकल क्वालिटी एंड इनकी बेस क्वालिटी, अगर आप पावरफुल बेस सुनने के शौकीन हो आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले हैं। सोनी का ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, प्लस बहुत लोगों ने इनको पसंद किया, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हो, लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको 4.1 चैनल के साथ देखने को मिलते हैं, 80 वॉट का आपको आउटपुट पावर देखने को मिल जाता है, 4 स्पीकर्स है, प्लस आपको एक सबवूफर मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, स्टाइलिश ब्लैक ग्लॉस फिनिश के साथ देखने को मिलेंगे। प्राइस की बात करूं आपको लाइक ये स्टार्ट हो जाते हैं 6000 से एंड इसका प्राइस 8500 तक भी चला जाता है। सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने लेने हैं, चैगुड करने हैं, चैगुड वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो, बाइंग लिंक सभी होम थिएटर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। प्लस भी अगर आपका बजट 5000 से भी कम है, उनके भी बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वो भी चैगुड कर लेना, वो भी आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले। अगर आप ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते आप उन होम थिएटर्स के और जा सकते हो, 2021 मॉडल मैंने आपको बताए हुए हैं। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर यार मैंने रखे है सोनी HD S20R को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं, अगर आपका बजट 10000 से अपर है तभी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करने वाला हूं, अगर आपका 10000 से बजट कम है तो जो मैंने आपको सोनी के बताएं, इन्फिनिटी के बताएं, या ज़ेप्रोनिक्स के बताएं, इन तीनों में से जो भी आपको पसंद आते हैं आप ले सकते हो। ये सभी जो मैंने तीनों आपको बताए हैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपका बजट 10000 से अपर चले जाता है तो आप जा सकते हो सोनी HD S20R की ओर। अगर मैं इन होम थिएटर्स की बात करूं तो स्पेसिफिकेशन की सीधी बात करते हैं, सबसे पहले आपको 4.1 चैनल देखने को मिल जाता है, आपको 400 वॉट की आउटपुट पावर देखने को मिलेगी, 2 स्पीकर्स है, एक सबवूफर है, प्लस आपको एक साउंड बार देखने को मिल जाती है, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि प्लस पॉइंट है, प्लस आपको सिंगल केबल के साथ आप इसको अपने स्मार्ट टीवी के साथ अटैच कर सकते हो, मतलब HDMI ARC केबल के साथ। सिनेमैटिक साउंड सुनने के अगर आप शौकीन हो आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले हैं। अगर मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है, प्लस आपको रिमोट विद परफेक्ट सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस 13000 से लेके 15000 हो जाता है, तो देख लेना प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जो 10000 से एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, आपके लिए ये जो होम थिएटर है बहुत ही गुड डील होने वाले हैं। इसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आपने भी चैट करने ऑफिशियल साइट पे देखना चाहते हो, सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, तो चैट कर लेना। अभी यार मैंने आपको टॉप 4 बता दिए, मतलब 5000 से लेके 15000 के प्राइस रेंज में मैंने आपको होम थिएटर बता दिया, 2021 मॉडल भी बता दिए, तो इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है आप जा सकते हो। मतलब अगर आप 5000 के बजट रेंज में ज़ेप्रोनिक्स भी ले लेते हो ना, वो भी आपको पैसा वसूल होम थिएटर देखने को मिल जाता है। तो अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भी देना, उनको भी कहते ना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। भाई लाइक फॉलो वगैरह कर लिया करो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे यार। थैंक यू।